अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्लास मैथ्स आज हम शुरू करेंगे। ये कंटेंट है, देखिए चैप्टर वन, लॉन्ग शॉर्ट, टॉल शॉर्ट, थिक थिन, हैवी लाइट, बिग स्मॉल, नंबर्स 1 to 9, एडिशन अप टू 10 एंड मॉडल टेस्ट पेपर। ये टर्म वन का कोर्स है, इसके बाद टर्म टू और टर्म थ्री बाकी। देखिए चैप्टर वन है लॉन्ग शॉर्ट, लंबा छोटा, लंबाई में कम। अब देखिए यहाँ पर लॉन्ग शॉर्ट में द रोप इज लॉन्ग, रस्सी लंबी है, और द पेंसिल इज शॉर्ट, पेंसिल कम लंबी है या छोटी। अब देखिए सेकंड स्टेप, लॉन्गर शॉर्टर। देखिए इसमें थोड़ा सा फर्क है, एक लॉन्ग शॉर्ट है और एक लॉन्गर शॉर्टर है। लॉन्गर शॉर्टर का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब दो चीजों की तुलना की जाती है, जब दो चीजों में कंपेरिजन किया जाता है, तब हम लॉन्ग की जगह लॉन्गर और शॉर्ट की जगह शॉर्टर यूज करेंगे। जैसे मान लीजिए दो पेंसिलों की बात हो रही है, दो रस्सियों की बात हो रही है, तो दो रस्सियों में से जो लंबी रस्सी होगी वो लॉन्गर रोप कहलाएगी, और दो पेंसिलों में से जो छोटी पेंसिल होगी वो शॉर्टर पेंसिल कहलाएगी। तो जब एक सिंगल चीज की बात होती है तब हम लॉन्ग या शॉर्ट यूज करते हैं, जब दो चीजों का कंपेरिजन होता है तो हम लॉन्गर शॉर्टर इस्तेमाल करते हैं, और जब बहुत सारी चीजों के बारे में बात होती है और उसमें से किसी एक चीज के बारे में बात करना होता है तब हम लॉन्गेस्ट शॉर्टेस्ट इस्तेमाल करते हैं। इसे इंग्लिश में डिग्री कहते हैं। एडजेक्टिव की 3 डिग्री होती है, एक्टिव, पॉजिटिव डिग्री। सबसे पहला जो लॉन्ग शॉर्ट है ये पॉजिटिव डिग्री है, फिर दूसरा जो है लॉन्गर शॉर्टर ये कंपैरेटिव डिग्री है, और तीसरा सुपरलेटिव डिग्री है। जब बहुत सारे लोग हों और उसमें से किसी एक के बारे में बात करना हो तब हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज करते हैं। जैसे यहाँ देखा, देखिए लॉन्गेस्ट शॉर्टेस्ट, यहाँ देखिए तीन औरतें हैं, तीन औरतों में जिसके सबसे लंबे बाल होंगे हम उसे बोलेंगे लॉन्गेस्ट हेयर, जैसे यहाँ पर ये इसके दिख रहे हैं, और बहुत सारे औरतों में जिसके सबसे छोटे बाल होंगे तब हम बोलेंगे शॉर्टेस्ट हेयर। चलिए अब एक्सरसाइज देखते हैं। एक्सरसाइज 1, टिक द लॉन्ग ऑब्जेक्ट। ये जो दो हैं इसमें जो लॉन्ग ऑब्जेक्ट है उस पर टिक करना है। तो देखिए एक बेड है और एक टेबल है, तो टेबल, ये बेड जो है ये लॉन्ग है, इसलिए इस पर हम टिक कर देंगे। यहाँ देखिए एक स्विमिंग पूल है और एक वॉश बेसिन है, तो जो स्विमिंग पूल होता है वो लॉन्ग होता है, इसलिए हम स्विमिंग पूल पर टिक कर देंगे। यहाँ देखिए टिक द शॉर्ट ऑब्जेक्ट, अब ये दोनों में से जो शॉर्ट है उस पर टिक करना है। तो देखिए जो पेंसिल है ये शॉर्ट है, इस पर टिक कर देंगे। यहाँ देखिए एक स्नैक है, एक लिजर्ड है, तो जो लिजर्ड है वो शॉर्ट है, उस पर हम टिक कर देंगे। नेक्स्ट देखिए सी, टिक द लॉन्गर स्केल। यहाँ देखिए दो स्केलों में कंपैरिजन हो रहा है, तुलना हो रही है, इसलिए यहाँ पर हम लॉन्गर यूज करेंगे, कंपैरेटिव डिग्री का यूज करेंगे। लॉन्गर स्केल कौन सी, यहाँ पर ये वाली स्केल लॉन्गर है, इस पर हम टिक कर देंगे, सॉरी। नेक्स्ट देखिए टिक द शॉर्टर पाइप, जो शॉर्टर पाइप है उस पर टिक करना है, तो ये वाला पाइप शॉर्टर है, इस पर हम टिक कर देंगे। नेक्स्ट है टिक द लॉन्गर कार, अब देखिए यहाँ पर लॉन्गेस्ट कार, सॉरी सुपरलेटिव डिग्री की बात हो रही है, बहुत सारी कार हैं उसमें से जो सबसे लंबी कार है हमें उस पर टिक करना है, तो ये जो बीच वाली है ये सबसे लंबी कार है। इसी तरीके से देखिए शॉर्टेस्ट फिश, ये बहुत सारी फिशेज हैं जो उसमें सबसे छोटी होगी उसे हम कहेंगे शॉर्टेस्ट फिश, यहाँ पर ये वाली शॉर्टेस्ट फिश है, इसको हम टिक कर देंगे।